भाजपा में मची कलह पर अब कांग्रेस चुटकी ले रही है। भाजपा पर पलटवार करते हुए हरक सिंह रावत की पुत्रवधु और कांग्रेस नेता अनुकृति गोसाई ने कहा कि भाजपा अब अपने इंटरनल मामलों को ही नहीं संभाल सकती तो राज्य क्या संभालेगी। इसी तरह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि भाजपा के भीतरघात की खबरों से लग रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एक चीज मैं आपसे बहुत साफ कहना चाहती हूँ, ये तो साफ दिख रहा है कि ये एक तरीके की बौखलाहट है। जब आपको लगने लगा है कि भैया अब नहीं चुनाव जीत रहे हैं तो चलो नहीं जीतेंगे तो ये चलो आरोप इस पे लगा दो, आरोप प्रति आरोप का ये जो गेम है ये आप ये तो देखिए, मैं आपसे क्या कहूँ, ये तो कोई जनरल व्यक्ति भी होगा वो भी इस बात को समझ रहा होगा। जब आपको लगने लगे कि अब भैया मैं नहीं जीत रहा हूँ तो चलो आप आरोप ही लगा दो, भाई कम से कम 10 तारीख तक के लिए तो उनको इंतजार करना चाहिए था। देखिए इनके सभी बड़े नेताओं पर भी आरोप लग रहे हैं और एक दूसरे को हराने के लिए इन्होंने बहुत कुछ करने का प्रयास किया। आपके मदन कौशिक पर आरोप लगे हैं, अभी हमारे बिशन सिंह चौपाल ने भीतरघात की बात कही है, वो भी डरे हुए हैं, तमाम लोग भीतरघात की बात कर रहे हैं। आपके यहीं उधमसिंह नगर में भीतरघात की हुई है, हमारे चीमा साहब के परिवार वालों ने जमकर के आरोप लगाया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी में वो कैडर पार्टी नहीं रह गई है, जैसा ये कहते थे हम कैडर पार्टी हैं। उत्तराखंड भाजपा में लगातार चुनाव में भीतरघात के मामले सामने आ रहे हैं। अब कैबिनेट मंत्री और डीडीहाट से भाजपा उम्मीदवार बिशन सिंह चौपाल ने भी पार्टी में भीतरघात की आशंका जताई है। चौपाल ने कहा कि राज्य की कई विधानसभा सीटों पर पार्टी को कड़ा मुकाबला मिल सकता है और जिन सीटों पर पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन के अधिकारियों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है उन लोगों पर आलाकमान को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल पिछले दिनों ही राज्य में भाजपा के विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष पर गद्दारी करने का आरोप लगाया था। विधायक संजय गुप्ता का कहना था कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कई प्रत्याशियों को हराने की साजिश रची थी। और आइए आपको ये पूरा मामला समझाने के लिए आपको 4 तस्वीरों से रूबरू कराते हैं, आपको बताते हैं कैसे ये पूरा मामला सामने आ रहा है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से भीतरघात हो रहा है। पहली तस्वीर 14 फरवरी की है जब लक्सर से भाजपा विधायक संजय गुप्ता का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें संजय गुप्ता ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर भीतरघात के आरोप लगाए थे। दूसरी तस्वीर 15 फरवरी की है जब काशीपुर से भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा ने भी भीतरघात के आरोप लगाए थे। तीसरी तस्वीर है 16 फरवरी की, चंपावत से भाजपा विधायक कैलाश गहतोड़ी ने भी एक वीडियो जारी कर भीतरघात की बात कही। और चौथी तस्वीर यमुनोत्री से भाजपा विधायक केदार सिंह रावत की, जिन्होंने भाजपा में भीतरघात की बात मानी थी। मामला पूरा है क्या, आइए अब ये भी समझ लीजिए। दरअसल चुनाव के बाद उत्तराखंड भाजपा में भीतरघात के आरोप लगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के खिलाफ विधायकों ने नाराजगी जाहिर कर दी। 14 फरवरी को लक्सर विधायक संजय गुप्ता का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो मदन कौशिक पर भीतरघात के आरोप लगाते हैं, कौशिक को पार्टी ने निकालने की मांग करते हैं संजय गुप्ता। वहीं 15 फरवरी को काशीपुर से भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा ने भी भीतरघात की आशंका जताई। चीमा ने भीतरघात करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। हाईकमान ने प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार से रिपोर्ट मांगी थी। जबकि 16 फरवरी को चंपावत से भाजपा विधायक कैलाश गहतोड़ी ने भीतरघात के आरोप लगाए थे। वीडियो में गहतोड़ी ने कुछ पदाधिकारियों पर चुनाव में साथ नहीं देने का भी आरोप लगाया था। वहीं 18 फरवरी को डीडीहाट से भाजपा विधायक बिशन सिंह चौपाल ने भीतरघात की बात को माना। 19 फरवरी को यमुनोत्री से भाजपा विधायक केदार सिंह रावत ने भी भीतरघात का आरोप लगाया था।